दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। दिलीप, ये खास पेशकश है हमारी समिता मैडम जी का और ये सब उनके स्टूडेंट्स हैं। समिता मैडम जी आप कहाँ हो? एक बार जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों इनके लिए। यहाँ पर श्री राजस्थानी सेवा संघ इंस्टीट्यूट ऑफ डांस एकेडमी के ये इंचार्ज है मैडम और यहाँ पर ये भरतनाट्यम डांसेस और दूसरे फोक डांसेस सिखाती है। बच्चे लोग प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी और फिर हम हर महीना ये प्रोग्राम करेंगे, आप सभी लोग आके डांस पेश करेंगे स्टेज पर इतनी सुंदरता से। डन, ओके, प्लीज का इनाम मिल रहा है पौवा जी की तरफ से। थैंक यू सर। माता पार्वती हम सबकी पूजनी, हर घर में तो नहीं पहुंच सकती लेकिन उन्होंने अपने करुणावश हर घर में माँ के रूप में अपना एक स्वरूप विराजमान किया है। अगर माँ हमारे जीवन में ना होती तो आप सब समझ सकते हैं, शब्दों में पिरोने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या हाल होता, हम होते भी या नहीं। माँ क्या है? डू यू ऑल लव योर मॉम? अच्छा इंग्लिश नहीं समझ में आ रही। आप सब लोग अपनी माँ से प्यार करते हो कि नहीं? ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? तो माँ शब्द को पंडित हरिओम ने कुछ पंक्तियां दी हैं, वो मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। माँ माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ बच्चे हुए रोते का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, मीठी सी थाप है। माँ माँ लोरी है, गीत है, मीठी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ माँ चूड़ी वाले मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ की यह कथा अनादि है, यह कोई अध्याय नहीं है और माँ का इस दुनिया में कोई पर्याय नहीं है। और मैं ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ और मैं इस दुनिया की सारी माताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं इस दुनिया की सारी माताओं को प्रणाम करता हूँ। तो आपके सामने पेश है अ ट्रिब्यूट टू मदर। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझको तेरे कदमों में जन्नत माँ, तरफ से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। भगवान से कोई ना मिला है इसलिए माँ तू बनी है। मैंने माना अब तक कहा है, पाया जो भी तेरी दुआ है। सब बातों की एक ही बात, हर जन्म में रहूं तेरे साथ। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है। शेट्टी मैम, आपके लिए जो इन बच्चों के लिए माँ स्वरूप हैं, चार लाइनें कहता हूँ कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। थैंक यू सो मच शेट्टी मैम। आप सबको अपनी माँ की याद आई? थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं।
दो मिनट अलका सुरेखा एंड कंपनी प्लीज हियर इन द सेकेंड रो. अच्छा आप लोग जरा मुझे बताइए कि आप लोगों में से नौजवान कौन कौन है. कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वर्तमान में है. भैया भूतपूर्व नौजवान हम जैसे भी होते हैं तो हम सब नौजवान हैं. सर आज ये जो पीढ़ी है वो सोचती है कि प्रेम की पूरी जागीर इनके हाथों में है. तो एक बात आप लोगों को बता दूं, प्रेम एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद ज्यादा असरकार होती है. और प्रेम की कोई उम्र नहीं होती. उसके लिए चार पंक्तियां कहता हूं कि हमको किसी के प्यार से कोई गिला नहीं. हमको किसी के प्यार से कोई गिला नहीं. बनती न हो जिंदगी जो रह गुजर नहीं. बनती नहीं वो जिंदगी जो रह गुजर नहीं. मुमकिन नहीं दो दिलों को बंदिश में बांधना. मुमकिन नहीं दो दिलों को बंदिश में बांधना. और इस लास्ट लाइन पे सबकी तालियां आनी चाहिए. मुमकिन नहीं दो दिलों को इस बंदिश में बांधना. इस बेलगाम प्यार की कोई उम्र नहीं. इस बेलगाम प्यार की. तो शोला भड़का कि नहीं तो करते हैं शोला भड़काते हैं. प्रस्तुत है शोला जो भड़के. जवानी का
जो भर के दिल मेरा भर के जवानी का जताए बड़ बड़ के क्या बात, बात है क्या बात है आप लोग कभी पूजा करने बैठे हो पंडित जी के साथ? पूजा आप कितनी बार भी कर लो उसके बाद भी जब आप बैठते हो पूजा करने और जब पंडित जी आपके हाथ में पुष्प देते हैं तो आप उस पुष्प को तब तक नहीं नीचे छोड़ो तब पंडित जी ना कहें। वैसे जब तक मैं नहीं कहूंगा तालियां अच्छी नहीं बजाएंगे। देखिए थोड़ा तो बज रहे लेकिन ज्यादा बजनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पुनर्जन्म लेना है तो तालियों की सौगात अभी अपने पास रखिए, अगले जन्म में वापस तालियां बजाइएगा। दोस्तों एक बार अकबर जी के दरबार में तानसेन जी ने गाना सुनाया तो अकबर जी इतने भाव विभोर हो गए, उन्होंने पूछा कि हे तानसेन, इस दुनिया में तुमसे भी अच्छा कोई गाने वाला है क्या? तो तानसेन जी ने कहा, हाँ महाराज, मुझसे भी अच्छा कोई गाने वाला है। तो बोले मैं मान ही नहीं सकता। बोले चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ले गए वो गुफाओं की तरफ से एक तरफ पहाड़ियों में, वहां पर तानसेन जी के गुरुजी गाना गा रहे थे। और जब तानसेन के गुरुजी ने उनको गाना सुनाया तो अकबर जी वहां पर कुछ नहीं बोले, बाहर आए और कहा, तानसेन तुमसे अच्छा गाने वाले अगर ये हैं तो ये कौन है? तो तानसेन जी ने कहा, भगवान ये मेरे गुरु हैं, मैं गाता हूं आपको खुश करने के लिए। तानसेन जी ने कहा कि मैं गाता हूं आपको खुश करने के लिए, लेकिन मेरे गुरु गाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। तो आपके गुरु आपके भगवान हैं और हम सबके गुरु हमारी प्रिंसिपल मैम हैं। तो मैं अपनी प्रिंसिपल मैम वलेचा मैम को यह आह्वान करता हूं कि आप आइए और अगली पेशकश की प्रस्तुति कीजिए। वलेचा मैम, मिशन उड़ान। इसके बारे में कुछ खास कहना है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारे पेरेंट्स मीटिंग में आए थे जिसमें हम लोगों ने आपको जिक्र किया था मिशन उड़ान के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने करीबन 450 बच्चों को हम लोगों ने ये मिशन उड़ान कराया, जिसमें कि इन लोगों को गोल सेटिंग, जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है और वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं इजीली, वो हम लोग ने कहा था। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए वो हमने सिखाया, हैबिट्स कैसे फॉर्म करने चाहिए जो अच्छे हैं
वो 21 डेज प्रैक्टिस करने से हो जाता है वो बताया, और जो खराब हैबिट्स निकालना है वो भी बताया है, और उसके बाद इन लोगों को कौन से स्किल्स, कौन से हुनर इन लोगों को सीखना है, उसके लिए हमारी मैनेजमेंट वालों ने बहुत सारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज किया सर, और बहुत सारे बच्चे लोगों ने यहाँ पर इसमें एडमिशन भी लिया है और वो कर भी रहे हैं। आइए गेस्ट प्लीज कम। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूंगी अगेन, दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टिल नॉट पिक्ड अप देयर स्किल्स, डू इट। डिग्निटी ऑफ लेबर, देखिए मेहनत सबसे सुंदर चीज है, कोई भी काम ऊंचा या नीचा नहीं होता है। और वही सर आप सारे गेस्ट को हम दिखाने के लिए कि हम साल भर क्या कर रहे हैं, तो पेश है आपके सामने मिशन उड़ान। चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ सीखे कुछ नाम करें, चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ तुम सीखो कुछ मैं सीखूं, कुछ तुम जानो कुछ मैं जानूं, मिलजुल कर नए कमाल करें, चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी हमारे यहां पर जो सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे, ज्वाइन करेंगे और अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ सर, यहाँ सब बच्चे लोग आए हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ मस्ती गाना करते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर मस्ती ही करते हैं कि कुछ पढ़ते भी हैं। मैं आपको कुछ उनका नमूना पेश करना चाहती हूँ। आज मैंने बुलाया यहाँ पर हमारा एलुमनाई एसोसिएशन वालों को, ये सालिका सुरेखा एंड टीम, कहाँ है आप लोग? नो नो, कहीं पीछे हो गए। लेकिन उसके पहले मैं पेश कर रही हूं रतन रोहन, ये हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट था रादर, और अभी उसने दुनिया भर में अपना नाम कर लिया है। यहीं पर वो पढ़ा है, सिर्फ 3 कंट्रीज इस पूरे दुनिया में वो नहीं गया, बाकी सब जगह गया है, एंड ही इज कॉल्ड एज द संतूर किंग। तो पेश कर रही हूं
रोहन रतन, ये हमेशा आप इसको पाओगे हमारे अनूप जी जलोटा के साथ, उनके साथ ये बजाते हैं और एक बड़े मशहूर कलाकार है और मेरा प्यारा बच्चा है रोहन रतन। ये मेरे साइंस सेक्शन के बच्चे हैं। आई विल टेल यू ईच वन क्या कर रहे हो, जस्ट वन लाइन। माय नेम इज विकास सिंह, आई एम राइट नाउ डूइंग सिविल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर। हाय गाइस, माय नेम इज विशाल, आई एम डूइंग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऑलरेडी कंप्लीटेड, नाउ डूइंग अ ट्रेनिंग इन एयर इंडिया। गुड इवनिंग गाइस, आई एम निशान पाटिल, आई एम परसुइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम वर्किंग फॉर मर्चेंट नेवी। गुड इवनिंग गाइस, मायसेल्फ चंद्रमणि शुक्ला एंड आई एम डूइंग बीएमएस फ्रॉम खारगर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज नितिन विश्वकर्मा एंड आई एम डूइंग बीएचएमएस फ्रॉम कर्नाटका। गुड इवनिंग गाइस, आई एम आरती विश्वकर्मा एंड आई एम डूइंग बीएमएस फ्रॉम खारगर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज, आई एम पर्सुइंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी।